नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इसके सबसे पहले तो आप सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूवर्स को और सभी जिन्होंने कमेंट करते हैं इतने अच्छे अच्छे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि अब मैं हफ्ते भर जितना भी वीडियो बनाऊंगी उसका एक दिन लाइव आकर टेस्ट लूंगी, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिएगा और लापरवाही बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा सुनने में बोरियत होती है, आधे घंटे आपको अपने दिन के निकालने पड़ते हैं, लेकिन ये आपके लिए कड़वी औषधि सिद्ध होंगे, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया था कि किस प्रकार तुलसीदास जी को अवधि और व्रज दोनों में सिद्ध हस्त थे। इसके अलावा उस समय प्रचलित पांचों शैलियों में किस तरह से उन्होंने रचनाएं की। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छुपी हुई थी। लोक धर्म की अवहेलना मतलब उन्होंने ईश्वर प्राप्ति को मात्र जीवन का एक लक्ष्य बता दिया था। लोक धर्म यानी सांसारिक कार्य, सांसारिक क्रियाकलाप, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई थी, उसको पूरी तरह निग्लेक्ट किया गया था। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के जो भक्त थे, कबीर, दादू, इनके भी जो लोक धर्म विरोधी स्वरूप थे, यदि लोक धर्म किसी ने पहचाना तो वो किसने पहचाना? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्त वृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्रंखल हो जाए, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी, है ना। मतलब जिस तरह से उस समय निर्गुण और सगुण पद्धति चल रही थी, तुलसीदास जी ने जब उसको देखा तो उनको ये समझ आया कि ये इतना सांसारिक पद्धति के, सांसारिक क्रियाकलापों के विरुद्ध है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो जनता के मनोभाव हैं, चित्त वृत्ति है, उसमें घोर विकार यानी घोर कमियां उत्पन्न हो जाएंगी जिससे समाज में की जो मर्यादा है वो नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार आपको याद होगा बौद्ध धर्म में जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म की इतनी उच्च शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की, तो कहीं ना कहीं एक तरफ उनके जो क्षत्रिय धर्म था उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना हुई, जिसको बाद में कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा, मुझे ऐसा लगता है। और उसी तरह से यदि ये संसार है तो इसके जो सांसारिक संस्कार हैं, जो सांसारिक पद्धतियाँ हैं, सारी जनता उसको नहीं छोड़ सकती। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने पूरी तरह से संसार को त्याग दिया है, लेकिन जो सांसारिक क्रियाकलापों में है उसके लिए अगर इस तरह से चलता रहा तो समाज की सारी मर्यादाएं नष्ट होने लगेंगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शस्त्रज्ञ विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में वीर तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चासह व्यक्तियों, पति प्रेम में परायण सतियों, पितृ भक्ति के कारण अपना सुख सर्वस्व त्यागने वाले सत्पुरुषों, स्वामी की सेवा में मर मिटने वाले सच्चे सेवकों, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। ये तो आप सब मानते होंगे कि यदि समाज से ये चीज़ें उठ जाएं, है ना, तो उस समाज का कल्याण किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। यदि पिता की भक्ति करने वाला पुत्र ना हो, पति को प्रेम करने वाली पत्नी ना हो, प्रजा का पालन करने वाला राजा ना हो, स्वामी की सेवा करने वाला सच्चा सेवक ना हो, तो बताइए क्या समाज का कल्याण संभव है। लेकिन अगर बात करें निर्गुण पंथियों और इस तरह की वाणियों की, तो इसमें इन चीजों की सर्वथा अवहेलना है ना, और इस चीज को पहचाना किसने? तुलसीदास जी ने। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथी वाणियों के में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा।
साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि बहुत से अनाधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलते शब्दों को लेकर बिना उसका उनका तात्पर्य जाने यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे। मतलब वो पूरी तरह से वेद वेदांत या आज भी हम इन ऐसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो पूरी तरह से मतलब चीज़ों को नहीं जानते हैं, किसी भी चीज़ का को गहराई से नहीं जानते हैं, सिर्फ कुछ प्रचलित बातें ले ली और उसी के आधार पर उसका व्याख्यान शुरू कर दिया। अब बहुत बहुत अगर इसका मैं उदाहरण दूँ तो अगर अभी देश की स्थिति पे बात करने को कह दिया जाए तो हर व्यक्ति छोटे से बड़ा आपको उस पर बड़ी बड़ी बातें करता मिल जाएगा, लेकिन जो पूर्णता चीज़ों को समझ रहे हैं ऐसे लोग कम मिलेंगे। तो तुलसीदास जी ने ऐसी दशा समझ ली थी, है ना, और इसीलिए उन्होंने क्या वचन कहे, श्रुति सम्मति हरि भक्त पंथ संजुत विरत विवेक नहीं पर परिहर ही विमोह बस कल्प ही पंथ अनेक साखी शब्दी दोहरा कहीं कहनी उपखान भगत निरूप ही भगत कल निंद ही वेद पुराण बंद ही शूद्र द्विजन सन हम तुमते कछु घाट जान ही ब्रह्म सो विप्रबर आंख दिखावें डांट। इस प्रकार योग मार्ग से भक्ति का मार्ग भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंतस्थ साधनाओं में प्रवृत्त करता है। योग मार्ग ये मानता है कि ईश्वर हमारे अंदर ही है और इस उसको पाने के लिए अंतस्थ साधनाओं की ओर मनुष्य को प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उसकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच में करता है, है ना। जो सगुण मार्गी हैं वो ईश्वर को अपने अंदर भी मानते हैं, बाहर भी और सभी जगह मानते हैं और सभी जगह ईश्वर का दर्शन करते हैं। वे ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर नहीं मानते। इसी से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अंतर में हूँ मैं बड़ बाहिर जामी है राम जो नाम लिए थे पैज परे प्रहलादु पकटे प्रभु पाहंते ना ये थे। घट के भीतर कहने से गुहे या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात करने की बात कहने वाले प्रायः अपने गूढ़ रहस्यदर्शी अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बातों को भी रूपक बांधकर टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। मतलब बात चाहे जितनी सीधी हो वो उसको इतना घुमा के और पहेलियों में बुझाएंगे कि जो साधारण अशिक्षित भोली भाली जनता थी वो उसको बहुत आश्चर्य से सुनती थी। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता और सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वाचन की सरलता और कर्म की सरलता, कि तीन सरलताओं की बात कर रहे हैं, मन वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को ठीक है। सूधो मन सूधो वचन सूधी सब करतूति तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते कि जिसे लखे कोई बिरले, वे उसे सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वे संसार में सबके लिए यही सुलभ है जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम राम सांच लीचा अम्ब असन अवलोकियत सुलभ सबई जगमा। अभिप्राय यह है
कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति पुत्र कलत्र प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी चाहते हैं, एह जग मह जह लागी तन लागी या तन की प्रीति प्रतीत सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो हो सिमटी एक कठाई। नागपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। मतलब उस समय जनता को यह लगने लगा था कि ईश्वर की साधना कुछ बिरले लोगों का काम है। जो हृदय सबके पास होता है वही स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है, इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। ये पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हट योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्यमयी वाणियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती। लोग के इस दशा को लक्ष्य करके स्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग और भगति भगायो लोग। किसने कहा था? स्वामी जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी जी की भक्त पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वता छोड़ वह नहीं चलती है, सभी पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। ना उनका कर्म ना धर्म, ना उनका कर्म या धर्म से विरोध है ना ज्ञान से, धर्म तो उनका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों के रसानुभूत कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि तुलसी जी ने योग की उपेक्षा की, योग का भी समावेश किया, पर जितना चित्त को एकाग्र करने के लिए जरूरत है बस उतना। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तर भारत में वैसा भयंकर रूप ना धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण भारत में किया। दक्षिण भारत में शैवों और वैष्णवों के बीच में बहुत भयंकर विद्वेष ने जड़ पकड़ ली थी। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना में को एक सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा कर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्त में इस अंग की कमी थी। कृष्णोपासक जो भक्त थे उनमें भी लोक पक्ष की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक का संबंध की ही नहीं गुणातिगुण व्यंजना हुई। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुणातिगुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं। यही कारण है कि इसकी भक्त रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई वैसी किसी और की नहीं। जितना सामंजस्य गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में कर दिया उतना कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी धाराएं चली, बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन उनसे कोई ना कोई पक्ष जरूर से छूट गया। सबसे बड़ी रामचरितमानस की विशेषता यही है कि उन्होंने हर चीज को उसमें सामंजस्य किया, हर चीज का। आज राजा से रंक तक के घर में
गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इसकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। कोई भी प्रसंग हो आपको मानस की चौपाइयाँ जरूर मिलेंगी। अपनी सगुणोपासना के निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम और रूप इस उपाधि अखत अनादि सुसामुझ साधी, नाम रूप गति अकत कहानी, समुचत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच विच नाम सुसाखी, अभय प्रमोदक चतुर दुभाखी। दोहावली में भक्त की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे द्वारा सूचित की है। की तो ही लागहि राम प्रिय, की तू राम प्रिय होई, दुई माह रुचे जो सुगम होए, कीबे तुलसी तोही। इस प्रकार रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आसुफलदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य के जितने भी अवयव होते हैं उनके सब का बहुत ही उचित समीकरण रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नकसिक, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, ना पात्रों के संवाद, ना प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना। प्रेम और शोक के भावों की व्यंजना भी उतनी लंबी नहीं हो पाई है कि उसी में ही पूरा समय व्यतीत हो जाए, कांड व्यतीत हो जाए। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात यह है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि जितना भी रामचरितमानस से बड़े बड़े व्याख्या वाले प्रश्न आते हैं, जितनी अच्छी व्याख्या आप रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ के कर सकते हैं, उतनी तो आप शायद ही कहीं से कर सकते हैं। इसलिए ये पुस्तक वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानी, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। ये क्या है? ये हृदय मार्मिक स्थल हैं रामचरितमानस के, अक्सर पूछे जाते हैं कई जगह पे, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको उदाहरण सहित बताया था, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी है और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर केकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलती भाषा के प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की और प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन, है ना। जहाँ पर देखिए केकई और मंथरा के संवाद है वहाँ पे उस तरह की ठेठ बोली का प्रयोग है, जहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित ऋषि मुनियों की बात है वहाँ पर उनके अनुकूल भाषा का प्रयोग है। ये भी रामचरितमानस की एक बहुत ही बड़ी विशिष्टता है। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी
अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान राम के रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उनके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है, फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर भी समाधान किया। मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी भक्ति की दृष्टि से रामचरितमानस की रचना नहीं की है, है ना, सबको देख कर की है। सुधा सुरासम साधु साधु जनक एक जग जलधि अगाध। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपने उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का भी का आभास भी यह कहकर दिया है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी जुग पानी। जगत को केवल राम में ना कहकर उन्होंने सिया राम में कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित्त का पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष है, ठीक है। अतः परमार्थिक सत्ता चित चित विशिष्ट है, यह स्पष्ट झलकता है। चित और अचित वस्तुता एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जल बीचिसम कहियत अभिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद चिन्ह परम प्रिय खिन्न कहकर किया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं एवं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा ना करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रमाणिक चरित्र द्वारा वे जनता का बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। यदि उसमें अपना कल्पना मिश्रित करते तो जितना प्रभाव है उतना प्रभाव न रहता शायद, और काव्यों के समान केवल अल्प स्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसीदास द्वारा कल्पित है, यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोता या पाठकों पर नहीं जमने देती। मतलब रामचरितमानस को हम कहीं ये कहकर नहीं कहकर बढ़ सकते हैं कि ये प्रसंग तो तुलसीदास जी ने अपनी कल्पना से लिखा, उन्होंने राम के चरित्र को प्रमाणिक सिद्ध किया, कहीं कुछ कल्पना का जोड़ा नहीं उसमें ताकि बाद में हमारे ईश्वर को कल्पना कह दिया जाए। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य ना थी, उसमें सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है, उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश है, फिर भी कल्पित घटना प्रसंग नहीं पाए जाते हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों का त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों का उद्घाटन करने में प्रवृत्त होती थी। मतलब जो जैसी घटना है उसको वैसे ही ले लिया और उसका प्रस्तुतिकरण, मार्मिक स्वरूप उसका जिस तरह से सामने लाना है उसमें वे सिद्धस्त थे। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजक और कौतूहलपूर्ण पद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो जीवन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है रामचंद्र शुक्ल जी के इस कथन से, उन्होंने उपदेश उन्होंने किसी ना किसी पात्र के मुख से कराए हैं, उन्होंने उपदेश खुद नहीं दिए हैं। रामचरितमानस में जो भी उपदेश हैं वो उन्होंने किसी ना किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इस काव्य दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं, पर बात यह नहीं है, वे उपदेश उपदेश के लिए ही हैं। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं।
दोहावली, कवित्त रामायण, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जितने भी राम संबंधी इनके ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर अवधि भाषा में हैं और ये गीतावली, कृष्ण गीतावली ये ब्रजभाषा। पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रसायनी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, यथा राम सत्सई, संकट मोचन, हनुमत बाहु, राम सलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलियां रामायण। इनमें से कई एक ग्रंथ तो मिलते ही नहीं। हनुमत बाहु को पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत? कवितावली के अंतर्गत। राम सत्सई में 700 कुछ से कुछ अधिक दोहे हैं, जिसमें 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कौतूहल वर्धक, चातुर्यपूर्ण लिए हुए और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दो कवितावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष के लिए ऐसे पद्यों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित में भी राम सत्सई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियां प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवे रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवा नायिका भेद को देखकर बनाया था। अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम दास जी अकबर के दरबारी थे ना। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है, पर बाबा बेनी माधव दास ने गोसाई चरित के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। तुलसीदास जी से मिलने वहां सूरदास जी गए थे। सोचिए भक्त काल कितना स्वर्णिम काल था। और जब वो मिलकर आए उसके कुछ समय बाद राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों गोस्वामी जी ने कहाँ लिखे? चित्रकूट में। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम जोशी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध पर बना माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वो बाहुओं में असह पीड़ा उठने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका बनने का कारण ये कहा जाता है कि गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। धन्य है ऐसे लेखक जो किसी के भी अनुरोध पर इतनी बड़ी बड़ी कृतियां लिख देते थे। गोस्वामी जी की सर्वांग पूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है। न शब्द चमत्कार आदि का खेलवाड़ों में वो फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों और तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुट करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक को दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्हें एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त सर्वत्र भाषा का प्रयोग करके उन्होंने भावों और विचारों का स्पष्ट रूप रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई किसी और कवि में नहीं। सूरदास जी में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा को आगे बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद प्रत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं।
इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्दों को भी तुकांत के लिए भी शब्द तोड़े मरोड़े गए, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की ये सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई थी। सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की, पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हमने संकोच कह सकते हैं कि ये एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। चलिए आगे का पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर से जुड़े रहिएगा लाइव टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। चलिए।